हाय गाइस, मैं आप लोग को इस वीडियो में दिखाऊंगा कि आप लोग एचपी 240G5 को पेन ड्राइव से बूट कैसे करेंगे। इसका बूट मेनू क्या की कौन सा है। तो ऐसे कि एचपी का जो भी लैपटॉप या डेस्कटॉप आता है उसमें बूट मेनू की 9 ही होता है, F9। बायोस में जाने के लिए F10, और इसको डायग्नोस करने के लिए इस्केप बटन है, इसके बटन प्रेस करेंगे। तो ये मेरे पास 240G5 लैपटॉप है, तो इसको बूट करेंगे पेन ड्राइव से। ये पेन ड्राइव मेरा बूटेबल पेन ड्राइव मैंने बना के रखा है विंडोज 7 का। ये विंडोज 7 इस पेन ड्राइव में है, तो इसको मैं इंस्टॉल करूँगा बूट मेनू में जाके। तो इसका बूट मेनू की कौन सा F9 है। तो सबसे पहले अपना लैपटॉप या डेस्कटॉप फुल्ली शट डाउन कर दें, या स्टार्ट है तो उसको रिस्टार्ट भी कर सकते हैं। रिस्टार्ट करके तो अच्छा रहेगा, आप शट डाउन करें। शट डाउन करने के बाद जब फुल्ली एकदम शट डाउन हो जाएगा लैपटॉप, उसके बाद ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद कंटिन्यू F9 प्रेस करेंगे, कंटिन्यू F9 प्रेस करेंगे जब तक कि आपका स्टार्टअप मेनू ना आ जाए, बूट मेनू जब तक कि ना आ जाए तब तक F9 प्रेस करते रहेंगे। तो ये देखिए F9 प्रेस किया मैंने, तो यहाँ पे बूट मेनू आ गया है, बूट ऑप्शन मेनू। तो यहाँ पे 2-3 ऑप्शन दिया हुआ, बूट फ्रॉम EFI फाइल, नोटबुक हार्ड ड्राइव, तो USB हार्ड ड्राइव करके दिया हुआ है। ये मेरा सैंडिस्क का पेन ड्राइव है। तो ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है सैंडिस्क का, तो जो भी आपका पेन ड्राइव का नाम होगा, जो भी नाम रहेगा, तो उसके हिसाब से दिखाएगा आपको। अगर बूटेबल पेन ड्राइव आपने बना के रखा है तो वो दिखाएगा वहाँ पे। तो ये देखिए अभी यहाँ पे आईनी की प्रेस करने के लिए बोल रहा था, तो मैंने कोई भी की प्रेस किया, कोई भी प्रेस कर दो कीबोर्ड में, इसी हाथ लगा देने का बस। ये देखिए यहाँ पे आ गया अभी ऑप्शन, तो यहाँ पे इंटर करेंगे। अभी विंडोज इज लोडिंग फाइल्स लोड हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं विंडोज 10 ना डाल करके विंडोज 8 नहीं, मैं विंडोज 7 इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो इसी तरीके से आप विंडोज 8, विंडोज 10 भी इंस्टॉल कर सकते हैं, सेम प्रोसेस है। मतलब आप प्रॉपर तरीके से बूट मेनू में जाएंगे, बस वही प्रोसेस सेम, सबका प्रोसेस सेम होता है। तो यहाँ पे अपना टाइम एंड करेंसी फॉर्मेट चेंज कर देता हूँ मैं, इंडिया कर देता हूँ, नहीं तो बाद में वो कुछ प्रॉब्लम तो होता नहीं है, बट टाइमिंग वगैरह का कुछ चेंजेस हो जाता है। तो यहाँ पे अच्छा रहेगा, पहले से इंडिया सेलेक्ट करेंगे तो आपका टाइमिंग डेट और टाइमिंग प्रॉपर रहेगा। तो ये देखिए सेटअप इज स्टार्टिंग करके आ रहा है। यहाँ पे क्या करना है, एक्सेप्ट पे क्लिक करना है और नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, कस्टम एडवांस पे अगर अपग्रेड करना है तो अपग्रेड भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बातें हैं, अगर आपने बैकअप ले लिया है अपने पूरे डेटा का, तो ही आपको ये डिलीट करना है, वरना आपको क्या करना है, अगर डेटा एक भी आप नहीं लिए बैकअप, तो जो आपका सी ड्राइव होगा, जो सबसे कम होगा, जो सब जीबी में, सबसे कम नहीं, जीबी में जो भी होगा, 100 GB या 200 GB का जो भी आपका पार्टीशन रहेगा, सी ड्राइव आपको अगर मालूम होगा सी ड्राइव मेरी कौन सी है, तो उस पर सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देंगे। तो क्या रहेगा, आपका जो भी डेटा रहेगा सी ड्राइव में, जो डेस्कटॉप डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स का रहता है, वो ओल्ड windows.old फोल्डर करके सी ड्राइव में बन जाएगा। तो मैं अभी बैकअप ले लिया हूं। अगर आपने बैकअप ले लिया है सारे का, डी ड्राइव, ई ड्राइव का, जो भी आपका डेटा था वो सब आपने बैकअप ले लिया है, तो ही इसको डिलीट करें, नहीं तो इसको डिलीट मत करना, नहीं तो आपका एक भी डेटा मिलेगा नहीं अगर डिलीट करेंगे तो। अगर आपने, फिर एक बार बता रहा हूँ, जो आपने पूरा फुल्ली डेटा बैकअप ले लिए है तो ही इसको डिलीट करना है। तो इसको क्या बोलते हैं, क्लीन फॉर्मेट करने के लिए बोलते हैं। अगर फुल्ली आपने डेटा बैकअप ले लिया, फिर उसके बाद सारे पार्टीशन डिलीट करना है। डिलीट करने के बाद आप, ये क्लीन फॉर्मेट हुआ अभी, तो इसमें अभी सी ड्राइव सेलेक्ट करेंगे। सी ड्राइव आपको कितना चाहिए, जितना आपको सी ड्राइव चाहिए, 200 GB, 150 GB, यहाँ पे MB में लिखा जाता है। जैसे कि आपको अगर लिखना है, मतलब यहाँ पे चाहिए कि कितना
होना चाहिए, जैसे 150-200 GB जैसा कितना चाहिए आपको। मैं अभी यहाँ पे 100 GB कर रहा हूँ, और यहाँ पे MB में इंटर करना पड़ता है उसका वैल्यू। जैसे कि अगर आपको 150 चाहिए, 150 CB ड्राइव चाहिए, तो आपको 150 × 1024 करना पड़ेगा, क्योंकि 1 GB में 1024 MB होता है। तो उसके हिसाब से करेंगे आप। ये देखिए, अभी मैंने इसको ए पार्टीशन बनाया सी ड्राइव, फिर एक मैंने इसको डी ड्राइव बनाया। अभी जो सी ड्राइव मैंने 103 GB बनाया, उस पर ही सेलेक्ट करके एंटर किया, आगे बढ़ गया। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।